नारियल के अंदर पानी कैसे आ जाता है? जमीन में ज्यादा पानी वाले एरिया में नारियल के पेड़ उगते हैं। पेड़ के रूट्स ऑस्मोसिस यानी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में पानी मूव कराते हैं। जमीन से पानी अंदर खींचकर इन कैपिलरीज के थ्रू पूरे पेड़ में भेजते हैं और कुछ पानी इस पेड़ के फ्रूट जो अंदर से खाली होता है उसमें भर जाता है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म लिक्विड कॉर्नर से हार्ड हो जाता है और लिक्विड कम हो जाएगा। इसे ही हम मलाई वाला नारियल कहते हैं, जिसमें पानी एंड सॉफ्ट एंडोस्पर्म दोनों होते हैं। कुछ दिनों बाद ये सॉफ्ट एंडोस्पर्म हार्ड हो जाता है और पानी बहुत कम रह जाता है। यही हार्ड एंडोस्पर्म रेगुलर कुकिंग यूज में आता है। कोकोनट वाटर में जीरो फैट जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें केले से 4 times ज्यादा पोटेशियम और हाई सोडियम होने से ये ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। कोकोनट वाटर किडनी एंड यूरेथ्रल स्टोन्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सब्सक्राइब।